टैक्स कैसे आप लिख के दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर लिखा है टैक्स, तो मैंने लिखा है सुधीर कुमार, उसको लिखा है हाउ टू बैक। यहाँ पर देख पा रहे हैं आपको ये देखने में उनता लग रहा होगा दोस्तों कि ये फ्लिप किया गया है, यानी कि ये उनता है। तो आप मोबाइल को जैसे ही सीधा कीजिएगा तो आपको यहाँ पर सीधा ये देखने को मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे हैं इस तरह से कुछ। तो आप भी चाहते हैं अपने दोस्तों के पास इस तरह से लिख के भेजें दोस्तों, तो बड़ी आसान तरीके से दोस्तों के पास इस तरह से लिख के भेज सकते हैं दोस्तों। काफ़ी देखने में ये अट्रैक्टिव और अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं बड़ी आसान तरीके से। तो किस तरह से करना है इस वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। चलिए आपको बताते हैं किस तरह से इस तरह से लिख के शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के पास। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा अपने प्ले स्टोर में। चलिए अपना प्ले स्टोर यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको एक अप्लीकेशन डाउनलोड करनी है दोस्तों, जिसका नाम है फ्लिप टैक्स। आपको ऊपर में यहाँ पर लिख के सर्च करना है फ्लिप टैक्स। जैसे लिख के सर्च कीजिएगा तो आप यहाँ पर आपको बहुत सारा एप्लीकेशन देखने को मिलेगा दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आपको दो नंबर में एप्लीकेशन आपको मिल रहा है। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। करने के बाद इसको आपको डाउनलोडिंग कर लेना दोस्तों, काफ़ी एक कम एमबी का एप्लीकेशन है दोस्तों, आप इसको डाउनलोडिंग कर सकते हैं। करने के बाद इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको सामने यहाँ पर इस तरह से कुछ आएगा दोस्तों, यहाँ पर सबसे ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक करना है एंट्री टैक्स पर। आपको यहाँ पर जो भी लिखना है यहाँ पर लिख देना, जैसे कि मैं लिखता हूँ सुधीर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सुधीर, उसके बाद लिख देता हूँ कुमार। आपको भी ये लिख देना। लिखने के बाद नीचे में आपको ऑप्शन मिला है बैक वर्ड इफेक्ट, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको टिक लगा देना है, यहाँ पर आपको टिक लगा देना। जैसे टिक लगाया नीचे में यहाँ पर देख पा रहा हूँ तो इस तरह से कुछ यहाँ पर नीचे में उनता यह हो चुका है। जो ऊपर में आप लिखे हो तो नीचे में आपको इस तरह से कुछ उनता आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको नीचे में ऑप्शन मिल रहा है कॉपी का, आपको इस पर कॉपी पर क्लिक करना है। मैंने आपको कॉपी पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद तो आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको जाना जहाँ भी इसको शेयर करना चाहते हैं वहाँ पर आपको आ जाना। मैं यहाँ पर अपना व्हाट्सअप में इसको शेयर करूँगा तो अपना व्हाट्सअप यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद तो यहाँ पर क्या करना है आपको, जहाँ भी आप लिखते हैं वहाँ पर आपको इस तरह से फिंगर रखना। फिंगर रखने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा पेस्ट का, आपको पेस्ट पर क्लिक कर देना है तो ऑटोमेटिक तो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपको इसको सेंड कर देना है। देख पा रहे इस तरह से कुछ यहाँ पर सेंड ये हो चुका है दोस्तों, तो आप इस तरह से सेंड इसको कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं यहाँ से डायरेक्ट शेयर करना तो उसके बाद आपको ऑप्शन मिला यहाँ पर शेयर का, आपको शेयर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा व्हाट्सअप फेसबुक, जहाँ भी इसको शेयर करना चाहते हैं यहाँ पर वहाँ से भी आप शेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैं व्हाट्सअप पर क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट अपने व्हाट्सअप में आ जाएगा, यहाँ से जिसको भी आप शेयर करना चाहते हैं यहाँ से उसको शेयर कर सकते हैं। तो बड़ी आसान तरीके से इस तरह से आप शेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हमारी वीडियो पसंद है, हमारी वीडियो पसंद आता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के पास आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।